आखिर आप कहना क्या चाहते? मैं कहना ये चाहती हूँ कि समर दादी कोई और नहीं, वो मेरी बड़ी बहन है। क्या आपकी बड़ी बहन है? हाँ। तो देवी जी आप बताइए वो कहाँ मेरे वो कहाँ रहती है? बड़ी आसानी से तुम्हें बता दूंगी कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन हमारे पिताजी के तीन प्रश्न हैं, अगर उन तीनों पर को हल कर दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए ना तो सरकार करेंसी सीमा पे लटका दूंगी। चलो कहाँ जाओगे? यहाँ भी मौत है, अगर जाने की जरूरत की है तो दोनों टांगे काट कर कुत्तों के हवाले कर दी, कहाँ जाएंगे चला करके? कहाँ आज फंसे हो? बोलिए, तुम्हें मेरी सच मंजूर है या नहीं? देवी जी आप सवाल करें, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करोगे? हमारे पिताजी का पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे मीठा फल की जीत का होता है। बेटा तो हम जानते हैं। क्या तुम जानते हो? बताइए, तुम्हारी मंजिल आसान हो जाए। सबसे मीठा फल बोले क्या? मीठा और तुम्हारा खिलवा का है फल है, पागल हो गया? सबसे मीठा फल वो है जलेबी। देवी जी भैया के लिए एक मोह बना बोलिए। देवी जी इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किसी का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। हमारी पिताजी के पहला प्रश्न तो हल हो चुका है, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि नारी का संसार में क्या नहीं कर सकती है? अरे बदतमीज, नाम तो ढंग का ले रहे, पेपर होगा। हाँ, बताइए नारी जात क्या नहीं करती? क्या नहीं करती है? हरवाही नहीं की वो। क्या पागल पागल हो गया? और आपको समझते क्या हो तुम? नाती की फलवा जोत के दिखाएंगे। तुम जोत लोगे? तो दिन जोत उसी तरह का है ही हो। हटो, मेरा तो मुँह अच्छा नहीं रखा। हाँ सही है, तो मानने वाली बात है, मानी जाएगी। लेकिन हर जाओ में यही है तुम्हारा प्रश्न? कौन मेरा भाई मुझे बताओ। हर जाओ में कहती हूँ, बोलिए आप। देवी जी इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है? नारी जात चाहे तो पल भर में काली का रूप बना ले। हाँ क्यों नहीं, और चाहे तो दुर्गा बन सकती है। बन सकती है, लेकिन नारी जात संसार में सिर्फ एक काम नहीं कर सकती। वो कौन सा काम है? बगैर मत के सहारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? तो हमारे गांव में एक मेहरारू एक कंप्यूटर। आराम करो, मरूंगी ना भी तुझे, तो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएगा, पता नहीं कहेगा कंप्यूटर के लड़के होने लगे हैं। कंप्यूटर नहीं तेरे पेट में हुआ होगा। कंप्यूटर इसे पूरा काम कर रहा है, कंप्यूटर के मन ही नहीं देख, पूरा सामान धो रहा है। मेरी बीवी भी धोती होगी। राम कौर बोलिए, हमारे पिताजी का तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न ये है कि इंसान दुनिया में हमेशा हमेशा किस चीज के लिए भटकता है? हम अगर नहीं जानोगे ना तो समझो पक्का जानी। बताइए इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए? मेहरारू के लिए। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगे मेहरारू। तुम्हारे तो माथे पे लिखा है कि तुम मुट्ठी बांध मुट्ठी खोल कर आए हो, मुट्ठी बांध कर जाओगे। हटो, मेरा रूमा सोना चांदी कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ आया खाली आ जाओगे। बताइए आप, दुनिया में इंसान किस चीज के लिए? किस चीज के लिए भटकता है दुनिया में इंसान? फिर स्वाभाविक अपनी तमन्नाओं के लिए, जैसे कि मैं आपकी बड़ी बहन समुचादी के लिए, तस्वीर के लिए भटक रहा हूँ। क्या तस्वीर के लिए? अरे
मैं तुम्हें तस्वीर क्या तुम्हारी तकदीर ही बदल दूंगी। आपको तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। हाँ, तीनों प्रश्न हो चुके हैं। तो रास्ता उनने तो हमारे पिताजी के तीन प्रश्नों को हल किया है। हाँ, कंप्यूटर से बच्चे होते ये सवाल तुम्हारा जवाब था क्यों? हाँ आपको यहाँ के साथ समंदर उस पार जाना होगा। उस पार एक पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में हमारी बड़ी बहन चंद्र जाती शाम और सुबह पूजा करने आती है। उसी मंदिर में चुपके से बैठ जाना और हमारी बड़ी बहन चंद्र जाती की तरफ खींच लेना। लेकिन ये बताओ, हम कुछ इंसान एक समंदर तो पार नहीं कर पाते, सात समंदर कैसे पार करें? तुमने अच्छी बात की है। ये अंगूठी निकाल लो। कहरा तुम निकालो। ओह फिर मैं देती हूँ। तुम्हारे पास की कुछ नहीं है तो तुम्हें कुछ नहीं लेना हो। इसके जरिए तुम सस्ता मंदिर उत्पाद हो जाओगे। और ये रोबांसरी ठहरा, अरे कुछ हम हो गई है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे जान मत को ये रोबांसरी इसलिए करना है कि जब तुम्हें कोई मुसीबत कोई कष्ट हो तब इस बांसुरी को बजाना। मैं आकर आपके हर मुश्किल को आसान कर दूंगी। लेकिन इसमें खूबी है पर किसी का कौन सी खूबी? इसमें खूबी ये है कि जब उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी। इसे आप सीधा बजाओगे तो मैं किसी भी कोने में रहूंगी, आपके पास खाली हो जाऊंगी। अब देर मत कीजिए, आप भी निकल जाइए क्योंकि मेरे पिताजी का सारी समय हो गया है आने का। लेकिन हम तो उल्टा बजाए। क्या बांसुरी कब बजाया? कहाँ के मेले में? आज बजा हुआ है। की तरह कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे। तुम्हें मैं नहीं लेकर जाऊंगी भाई। तुम कब कह लेते हो? जरूरत ही क्या है? पर इसी पर ये मानेंगे नहीं। आप बांसुरी बजाइए, मैं ये लेकर जाती हूँ। बांसुरी दिया है और इस बांसुरी ने खूबी बताया है कि उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी और सीधा बजाओगे तो आपके पास आ जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, अब इस बांसुरी को हम सीधा बजाएंगे।